नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। राहुल गांधी की पदयात्रा से उत्साहित रीवा के कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर किसानों आम आदमी की समस्या दूर करने का ज्ञापन सौंपा। कार्यवाही न होने पर जन आंदोलन करने की धमकी दी। हमारी टीम ने कांग्रेसियों से बात की, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूँ रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर में। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आज यहां पर आए थे। क्यों आए थे आज, बात इसको लेकर क्यों आए थे? एरा प्रथा, धान, बिजली, ट्रांसफार्मर, उपकेंद्र जो बन रहे हैं धान खरीदी के, इन सब चीजों को लेकर हम जिलाध्यक्ष जी, आदरणीय विधायक जी के साथ आज कलेक्टर साहब से मिले। उनसे जिले के जो किसान पीड़ित हैं, जिले का किसान पीड़ित के साथ साथ अब इस तरह की स्थिति में आ गया कि आत्महत्या करने की नौबत आ गई है, इसी सब बातों को लेकर हम लोगों ने कलेक्टर साहब से चर्चा की। कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया और कलेक्टर साहब ने इशारे में माना भी कि हमारे जिले का किसान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पीड़ित है, यहाँ के नेता भ्रष्टाचार के जो लोग लिप्त है उनका सहयोग ज्यादा करते हैं, उनका सहयोग कर रहा है। किसान आत्महत्या की कगार पर आ गया है। अगर आपको ऐसा लगता है तो अभी तक आप सड़कों पर नहीं दिखाई दिए, आप जिला अध्यक्ष हैं, उस नाते क्या कांग्रेस पार्टी यहाँ कोई बड़ा मूवमेंट भी चलाएगी? कांग्रेस पार्टी बड़ा मूवमेंट चलाएगी। पहले तो हम लोग आज आए थे कलेक्टर से मिलने, विधायक जी थे हमारे, ये थे मंगू भाई, हमारे ये सब साथी रमाशंकर जी, भाई विनोद जी। ये मेजर समस्या, सबसे पहले बात तो ये है कि जैसे यहाँ हमारे यहाँ नहरों की सफाई नहीं करती और नहर खोल दिया। आए आप किसानों को देखिए, ग्रामीण इलाकों में 100-100 एकड़ खेत भरे हुए हैं पानी से, खेत जोते बोने से पड़े हुए हैं। सवाल मेरा ये नहीं, सवाल मेरा ये है, मैं उसी सवाल कि जन आंदोलन, मैं उसी पे आ रहा हूँ, आपकी बात पे ही आ रहा हूँ, लेकिन अपनी समस्या पहले कह के ना आपकी बात पे आऊँ। भाई आवारा मवेशी की समस्या है, बिजली के बिल की समस्या है, ट्रांसफार्मर की समस्या है, बिजली न रहने की समस्या है, खरीदी केंद्रों में आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, तमाम कमीशन लेके यहाँ खरीदी केंद्र में सहायता समूहों को दे रहे हैं, इस तरह से इसमें कोई लगाम नहीं। इन सब बातों के लिए अभी हम लोग कलेक्टर से, सब लोग हमारे कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मिला। कलेक्टर ने कहा कि भाई जो भी हमारे बस का होगा हम लोग निपटारा करेंगे। अगर कलेक्टर निपटारा नहीं करते, इन सब बातों को नहीं लिखते, तो हम लोग आने वाले दिनों में 2023 के जनवरी महीने में ही जिले में एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, किसान मजदूर को लेके, इन पूरी जिले की किसानों को लेकर एक जन आंदोलन निकट भविष्य में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष कह रहे हैं देखा जा सकता है। हमारे साथ खास तौर से मौजूद हैं पूर्व विधायक सुखेन सिंह जी। जिस तरीके से मऊगंज में लगातार आपने खुद देखा है ये समस्या पूरे जिले की है, तो पूरे जिले को लेकर जैसे कि जिला अध्यक्ष जी और शहर अध्यक्ष जी कह रहे थे मूवमेंट होगा, तो किस तरीके से मूवमेंट होगा? अब जैसे समस्याएं दिख रही हैं उस तरीके से तैयारी बन रही है, और निश्चित रूप से अगर जिले में कलेक्ट्रेट का घेराव करना है या लड़ाई लड़नी है ये तो कभी भी की जा सकती है, लेकिन एक प्रभावी तरीके से हो उसके लिए अभी बातें की गई हैं। अगर सुनवाई नहीं होती जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा है, तो निश्चित रूप से किसानों का मुद्दा है, आयरा प्रथा चल रही है, ट्रांसफार्मर नहीं लग रहे हैं, बिजली से परेशान है किसान, कर्ज माफी में डूबा हुआ है, कर्ज से डूबा हुआ है, तो इन सब बातों को लेकर के ये तो हम लोगों का अधिकार है, लड़ना ही चाहिए और लड़ा जाएगा, दमदारी से लड़ा जाएगा। आप मुख्य विपक्षी दल हैं, हमेशा ये होता है कि सत्ता पक्ष मुख्य विपक्षी दल की बात नहीं सुनता, तो ये तो निश्चित रूप से तय है कि आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। किसान परेशान है, तमाम लोग परेशान है, तो हम ये मान के चलें कि सड़क में कांग्रेस दिखाई देगी? सड़क में कांग्रेस है पूरे देश में, कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक। माननीय राहुल गांधी जी ने 3500 किलोमीटर की पदयात्रा नाप दी, राजस्थान पदयात्रा पहुंची है, लाखों लाख जुड़ रहे हैं, और उसी तारतम्य में पूरे जिले में हर जिले में पदयात्राएं चली, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, कांग्रेस सड़क पर नहीं है तो कहां है सड़क? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा से मध्य प्रदेश में निकट भविष्य में फायदा होगा चुनाव में? कांग्रेस तो पहले भी सरकार बनाई कमलनाथ जी के नेतृत्व में,
और कांग्रेस इस बार भी बनाएगी। और जहां तक राहुल गांधी जी की पदयात्रा का सवाल है, हिमाचल का रिजल्ट आपने देखा, रही बात गुजरात की, तो गुजरात में दंड फल करके जीत लेना, निजी प्रधानमंत्री ने अपनी सारी मशीनरी लगा करके, वो अलग विषय है। बसरते जो रिजल्ट है जनता जान चुकी है, महंगाई से पीड़ित है, कई मुद्दे ऐसे हैं, बेरोजगारी से पीड़ित है, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, आम जन जान चुका है। और राहुल गांधी जी की पदयात्रा से मैं समझता हूं 2023 में जितने भी चुनाव होंगे उसमें तो सरकार कांग्रेस की बनेगी, 2024 में देश में जनता कांग्रेस के साथ खड़ी हो। आगे आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, ऐसा इस टीम का कहना था। ये टीम रीवा शहर की जिम्मेदार टीम है कांग्रेस पार्टी की, इनका साफ तौर से कहना था अगर हमारी सुनवाई नहीं तो हम निकट भविष्य में सड़क पर भी दिखाई देंगे, एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। हालांकि कांग्रेस इन दिनों सड़कों पर है, इनके वरिष्ठ नेता इन दिनों एक बड़ी पदयात्रा कर रहे हैं, उनको एक अपार जन समर्थन भी मिल रहा है। हमारी नजर अब इनके उस आंदोलन पर भी बनकर रहेगी जो इनने वादा किया कि जनता के हित पर हम सड़क पर दिखाई देंगे। दिन भर की ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।